दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने सामने KTM 390 एडवेंचर विद स्पोक व्हील। ये है KTM एडवेंचर का टॉप मॉडल। ये जो बाइक है दोस्तों 2024 की बाइक है, अपडेट वर्जन के साथ में आई। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों इस बाइक के परफॉर्मेंस, EMI, डाउन पेमेंट एंड आप इसको कैसे आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि KTM एडवेंचर बाइक बनाने में बहुत आगे, ये वन ऑफ द मोस्ट वांटेड बाइक है KTM एडवेंचर 390। इस बाइक में जो दोस्तों परफॉर्मेंस दी गई है वो मुझे बहुत पसंद आई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस बाइक के परफॉर्मेंस से। तो दोस्तों बात कीजिए बाइक में इंजन की, जो कि इस बाइक में दिया गया 373 cc का इंजन है। इमिशन टाइप रहेगा दोस्तों वो है BS6 2.0 के साथ में आती है। पावर की बात की जाए वो मुझे बहुत पसंद आई है, 43.5 PS की पावर दी गई है। बात की जाए दोस्तों मैक्स टॉर्क की, जो कि इस बाइक में टॉर्क रहेगा 37 Nm का, जो कि 7000 RPM पे काम करती है। बात की जाए दोस्तों बाइक में ब्रेकिंग सिस्टम को, जो कि मुझे बहुत पसंद आई है। जो बाइक आती है डुअल डिस्क विद डुअल चैनल ABS के साथ में आती है। इसमें जो ABS है वो है दोस्तों स्विच कर सकते हैं आप इसको आसानी से। अब बात करते हैं दोस्तों बाइक में व्हील साइज एंड टायर साइज की। व्हील साइज की बात की जाए दोस्तों आगे जो आपको देखने को मिलता है वो है 431.8 mm एंड बैक में आपको देखने को मिलता है 482.6 mm। एंड टायर साइज की बात की जाए वो है दोस्तों आगे 19 इंच का एंड बैक में आपको मिलता है 17 इंच का। इस बाइक में दोस्तों फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी दी गई है वो है दोस्तों 14.5 लीटर की, जो कि मुझे बहुत पसंद आई है। तो आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपनी ये बाइक और जानते हैं कि क्या है इसमें खास फीचर्स। तो दोस्तों मैंने ये की बाइक अपने स्टार्ट एंड ये जो बटन दिए गए हैं दोस्तों ये अप डाउन के बटन है, मोड को सेट एट करने के काम आते हैं। एंड बात की जाए दोस्तों बाइक में जो डिस्प्ले टाइप है वो दोस्तों TFT 5 इंच के साथ में आती है। इस बाइक में दोस्तों चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। साथ ही हम दोस्तों इस बाइक को आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, नेविगेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। बात की जाए दोस्तों बाइक राइडिंग मोड की, इस बाइक में जो मोड दिए गए हैं वो दोस्तों ऑफ रोड एंड स्ट्रीट मोड दिया गया है इसमें। एंड अब बात की जाए दोस्तों बाइक में एक्स्ट्रा फीचर्स की, जो कि ये जो बाइक आती है इसमें दोस्तों आप अपने 3 डॉक्यूमेंट आसानी से सेव कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड सेव कर सकते हैं। एंड इसमें जो सर्विस ड्यू एंड एक्स्ट्रा ड्यू आपको देखने को मिल जाएगा। बात की जाए दोस्तों राइट साइड में बटन की, जो कि आप देख सकते हैं इसमें जो किल स्विच का बटन दिया गया है एंड इग्निशन को ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। तो दोस्तों बात की जाए बाइक में वेट की, इस बाइक का जो वेट हैगा वो 175 kg का। एंड सीट हाइट की बात की जाए वो 855 mm की। मेरी जो हाइट है वो दोस्तों 5 ft 5 in की, आप देख सकते हैं मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी बैठने के बाद। यदि आपकी 5 ft 8 in भी हाइट है तो आपको कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी। तो आइए दोस्तों आप करते हैं इस बाइक को स्टार्ट एंड जानते हैं इस बाइक का कैसा एग्जॉस्ट साउंड। तो मुझे आप कमेंट में बताना पसंद आए तो। मुझे दोस्तों इस बाइक का साउंड मुझे पसंद आया, बाकी आप मुझे कमेंट में बताओ यदि आपको पसंद आया हो तो। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि इस बाइक को आप कैसे आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। इस बाइक का दोस्तों एक्सशोरूम प्राइस है इन जयपुर में वो है 361,673 रुपये, जिसमें आपका RTO हो जाता है 54,955 का, बाइक इंश्योरेंस हो जाता है 27,361 का। उस हिसाब से दोस्तों आपकी जो ऑन रोड प्राइस आती है इन जयपुर में वो आती है 443,989 रुपये। तो दोस्तों बात की जाए बाइक को फाइनेंस करने की, इसकी जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो दोस्तों 80,000 रुपये। उस हिसाब से जो आपकी EMI बनेगी वो बनेगी 11,745 रुपये, 36 महीने की EMI होगी। यदि आप 60 महीने तक की EMI बनवाना चाहते हैं वो होगी आपकी 7,734 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा दोस्तों वो जाएगा 10% का। बाकी दोस्तों आपको इस बाइक पर कोई भी डिस्काउंट चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं। साथ ही में दोस्तों आपके मन में कुछ भी डाउट हो वो मुझसे पूछ सकते हैं, जैसे कि इस बाइक की सर्विस क्या है, मेंटेनेंस चार्ज क्या है, महीने का कितना इसका खर्चा आएगा मेंटेन करने का, वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।